to Jesus tonight. 35 years he could not walk. Now he is walking. Your sorrow can turn into joy. अब प्रस्तुत है भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा दिया गया वो संदेश। He will multiply the blessings upon you. और वो आपके ऊपर अपनी आशीषों को जरूर बढ़ाएगा। He will not forget you. वो आपको भूलेगा नहीं। यीशु बुलाता है कि सहभागियों के लिए आयोजित एक सभा में दिया था। Jesus will never leave you, never forsake you. यीशु न तो कभी आपको छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। इसे सुने और आशीषें प्राप्त करें। It's a great joy for us to meet you and pray for you this evening. और हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि आज की शाम हम आपसे मिल सके हैं और आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And our mission is to pray for people. और हमारा काम यही है कि हम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। Yes, when problems come, it doesn't ask who we are. देखिए, जब भी कोई समस्या आती है तो समस्या हमसे ये नहीं पूछती कि हम कौन हैं। It doesn't ask what is your background. और समस्या ये नहीं पूछती कि भाई तुम किस पार्श्वभूमि से आए हो। It doesn't ask what language you speak. समस्या ये नहीं पूछती कि भाई तुम कौन सी भाषा बोलते हो। Problem comes to everybody. समस्या जो है वो हर व्यक्ति के पास आती है। That's why the Lord Jesus also comes and asks, "What do you want?" and wipes away the tears of everyone when we pray. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आता है और हमसे पूछता है कि भाई तुम क्या चाहते हो। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हम में से हर एक के आंसुओं को पोंछता है। When Job began to pray for his friends, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी शुरू की, friends were criticizing him. ऐसे मित्र जो उसकी निंदा करते थे, God listened to his prayers. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। And then turned his captivity. और तब परमेश्वर ने उसकी बंधुआई से उसको छुटकारा दिया। And gave him back everything that he had lost in double measure. और जो कुछ उसने खो दिया था परमेश्वर ने दुगने रूप में अय्यूब को वापस लौटा दिया। My friend, let me tell you, मेरे मित्रों मैं आपको बता दूं, you are today's Jobs. आप आज के अय्यूब हैं। You are today's persons or the children of Jesus. आज आप वो व्यक्ति यीशु मसीह के संतान हैं। I know you yourself have burdens. मुझे पता है आपका अपना भी बोझ है। You yourself have problems. आपकी अपनी भी कई समस्याएं। You yourself have losses. आपकी भी हानि और घाटा है। You yourself have gone through the betrayals because of the wicked people. और बुरे लोगों की वजह से आप भी जो है लोगों की धोखेधड़ी का शिकार हुए। You yourself have gone through the darkness of this world because of sin. और पाप की वजह से आप खुद भी इस संसार में अंधकार के दौर से होकर गए हो। But with all that, लेकिन इन सारी बातों you are praying for other people. आप औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। Yes, with your offerings. हाँ, आपके दान राशि के द्वारा। Today we have 4,000 people praying 24 hours for thousands of people's tears to be wiped away. और आज हमारे पास 4,000 लोग हैं जो हजारों की संख्या में लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं उनके आंसुओं को पोंछने के लिए। And secondly, और दूसरी बात, the relatives of Job brought gold ornaments and gave it to Job. और ऐसा होता है कि अय्यूब के रिश्तेदार सगे संबंधी सोने के दागीने लाते हैं और अय्यूब को देते हैं। Money started coming back. पैसा वापस आने लगा। And he got everything back in double measure. और अय्यूब ने सब कुछ दुगना अपने पास पाया। Camels, goats, oxen, sheep, everything back in double measure. और फिर हम देखते हैं कि ऊंट उसके पास आ गए, भेड़ बकरियां आ गई और गाय बैल आ गए, उसके पास सब कुछ दुगना हो गया। Today you may say, I have nothing in my hands. आज आप कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। God is going to bless you in double measure from today. आज से परमेश्वर आपको दुगने रूप में आशीष देगा। Yes, double measure of what you had. हाँ, आपके पास जो है अब आपके पास दुगना हो जाएगा। Double measure. दुगना हो जाएगा। And the Bible says in Proverbs 10:22. नीति वचन 10:22 में बाइबल कहती है। The blessing of the Lord, it makes rich. और परमेश्वर ही की आशीषें
हमें अमीर बनाती है. And the Lord will not add any sorrow to it. और फिर परमेश्वर उसमें कोई दुख नहीं मिलाता. God will give you sorrow-free riches. परमेश्वर आपको ऐसी संपत्ति देगा जिसमें कोई दुख नहीं होगा. 46 years. 46 साल तक. He only cried for the people. वो केवल लोगों के लिए ही रोते रहे. Brother DGS Dinakaran. भाई DGS Dinakaran. Every day praying and crying for the people. हर दिन वो लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते और लोगों के लिए रोते थे. He went through much sorrow and pain himself. और वो खुद भी अपनी जिंदगी में दुख और दर्द के दौर से गए. But with all that, he began to cry. लेकिन उन सारे दौर के मध्य में भी वो उन्होंने पुकारा. Cry and cry and cry. और लोगों के लिए वो रोते थे, रोते थे. God heard his cry. और परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना. Saw his tears. उनके आंसुओं को पोंछा. And wiped away the tears of millions of people. और उनके द्वारा करोड़ों करोड़ लोगों के आंसू पोंछे. It's nearly 7 years since he has gone. और वो उनका देहांत हुए अभी 7 साल हुए हैं. But today, लेकिन आज, the ministry still stands and God is wiping away the tears of the people because his prayers, his tears are still alive. उनके द्वारा शुरू करी गई सेवकाई आज भी काम कर रही है क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं, उनके आंसू आज भी जिंदा हैं. Your tears, your prayers, your offerings shall be alive. And it'll work in the life of your children, grandchildren, and their children also. और आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपकी दी हुई बात दान राशि हमेशा जिंदा रहेगी और वो आपके संतान, उनके संतान और पीढ़ियों तक वो आशीष का कारण बनेगी. Today, my mother. आज भाई पॉल की माँ. Myself and my wife. और भाई पॉल और उनकी पत्नी बहन इवांजेली. And our children. और हमारे बच्चे. 3 generations continue to pray for the people. 3 पीढ़ियां हमारी अभी भी लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं. God has multiplied. परमेश्वर ने बढ़ाया. He has multiplied the blessings in our family. हमारे परिवार में आशीषों को बढ़ाया. God will multiply the blessings in your family too. परमेश्वर आपके भी परिवार में आशीषों को बढ़ा देगा. God gave Job beautiful children in the place of the children who died. और परमेश्वर ने उन अय्यूब के उन संतानों के बदले जो मर गई थी, परमेश्वर ने और भी सुंदर संतानें उसे दी. Yes, his daughters were the most beautiful girls amongst all the girls in the east. और फिर पूर्वी देश में वो जो अय्यूब की बेटियां थी वो सभी बेटियों से बहुत सुंदर थी. Job didn't even have to pray for his children after that. और उसके बाद अय्यूब को जरूरी नहीं था कि वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करे. He was busy praying for others. वो औरों के लिए प्रार्थना करने में व्यस्त हो गया. God made his children beautiful. परमेश्वर ने उसके बच्चों को बहुत सुंदर बनाया. Your children shall become beautiful with godly nature. और फिर परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आपके भी संतानें बहुत ही सुंदर बन जाएं. Your children shall become beautiful in stature. और फिर डील डॉल में भी आपकी संतानें बहुत ही सुंदर बनेंगी. Your children shall become beautiful in the wisdom. और आपकी संतानें ज्ञान और बुद्धि में भी बहुत सुंदर बनेंगी. Your children shall become beautiful in accomplishments. और फिर जरूरत और सारे उद्देश्यों को पूरा करने में आपकी संतानें बहुत. Your children shall become beautiful in loving you and caring for you and giving you all the honor in your life. और फिर आपकी संतानें आपको प्रेम करने में, आपको संभालने में और जिंदगी भर आपको आदर देने में भी बहुत ही सुंदर बनेंगी. Do you believe that? आप ऐसा विश्वास? Would you say thank you, Jesus? आप कहेंगे धन्यवाद यीशु. God is blessing your children and making them beautiful. परमेश्वर आपकी संतानों को आशीष देकर उन्हें सुंदर बना रहा है. Yes, as you pray for others. हाँ, जैसे आप औरों के लिए प्रार्थनाएं करें. As you are a partner with Jesus cause. जैसे आप यीशु बुलाता है कि सहभागी. Standing with us to cry for other people. हमारे साथ आप खड़े हैं ताकि हम औरों के लिए साथ. Your children will become beautiful. आपकी संतानें सुंदर बनेंगी. And the Lord told me. और प्रभु ने मुझसे कहा. As these my partners build my prayer towers with their offerings. और जैसे ये मेरे सहभागी अपने दान राशि देने के द्वारा मेरे प्रार्थना भवन का निर्माण करते हैं. As they build my house, the prayer tower, I will build their house. जैसे ये मेरे भवन प्रार्थना भवन को बनाएंगे तो मैं परमेश्वर कहता है मैं भी इनके भवन को बनाऊं. God built the house of Job again. और परमेश्वर ने अय्यूब के घर को फिर से बनाया. Honor came to his house again. उसके घर पर फिर से आदर और सम्मान आ गया. Yes, everybody came to comfort him again. और फिर से सभी लोग आए उसे दिलासा देने. Everyone will come to honor you in your home. आपके घर में भी सारे लोग आएंगे आपका सम्मान करने. Your home will become
become a home of honor. आपका घर जो है वो आदर सम्मान का घर बन जाएगा. Your name will become a name of honor. आपका नाम जो है सम्मान और आदर का नाम होगा. Great honor will come to you in your office. और आपके कार्यालय में, आपके ऑफिस में भी एक बड़ा मान सम्मान आपको मिलेगा. In the business. बिजनेस में. In the society. समाज में. In the nation. और राष्ट्र में. Yes, a little one shall become a thousand. हाँ, वचन कहता है कि जो छोटा है वो हजार जैसा बन जाएगा. In Deuteronomy 1:11, God says. व्यवस्था विवरण 1:11 में परमेश्वर कहता है. I will increase you 1,000 times and bless you more than before. और मैं तुझे हजार गुना बढ़ाऊंगा और पहले से कई गुना ज्यादा आशीष दूंगा. I will bless you and increase you 1,000 times more. मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझे हजार गुना बढ़ाऊंगा. This is God's blessing for you. ये है परमेश्वर की आशीषें आपके लिए. Shall we raise our hands and say thank you Jesus? और आइए हाथ उठाकर कहें धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. The greatest blessing that came to Job. और सबसे बड़ी आशीष जो अय्यूब के पास आई. The one who cried, I am in darkness. वो आदमी जो चिल्लाया था कि हे प्रभु मैं अंधकार में हूँ. Where is God? परमेश्वर तू कहाँ है? When he began to pray for others. और जब वो औरों के लिए प्रार्थना करने लगा. God himself appeared to him. तो परमेश्वर खुद उसके सामने प्रकट हुआ. God himself appeared to him. परमेश्वर खुद उसके सामने प्रकट हुआ. Job said. अय्यूब ने कहा. Till now I have heard of him. आज तक तो मैंने उस परमेश्वर के बारे में सुना था. But now my own eyes are seeing him. लेकिन अब तो मैंने अपनी आँखों से उसे देखा. My own eyes. मेरी अपनी आँखों से. He heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना. God spoke to him. परमेश्वर ने उससे बातें की. He had a personal encounter with God. और व्यक्तिगत रूप में उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई. The same Lord says. वही प्रभु कहता है. My children. मेरे बच्चों. You are mine. तुम मेरे हो. You are fulfilling my mission to pray for other people. औरों को प्रार्थना करने के रूप में तुम मेरे काम को पूरा कर रहे हो. So I will never leave you. तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never forsake you. कभी भी मैं नहीं त्यागूंगा. I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी भी नहीं भुलाऊंगा. He says, I will be with you. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. How can we have God with us all the time? कैसे परमेश्वर हर समय हमारे साथ रह सकता? When our spirit and his spirit are connected together, we shall be one with the Lord. और जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाती है तो हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं. 1 Corinthians 6:17. और पहला कुरिन्थियों 6:17. 1 Corinthians 3:16. और पहला कुरिन्थियों 3:16. 1 Corinthians 6:19. पहला कुरिन्थियों 6:19. All these say you are the temple of the living God. इन वचनों में लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो. He will come and unite himself with you tonight. परमेश्वर आज की रात आकर खुद को आपसे जोड़ लेगा. And when he comes. और जब वो आता है. What does he do? तो वो क्या करता है? The Bible says. बाइबल कहती है. In 1 John 1:7. पहला यूहन्ना 1:7. The blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. यीशु का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता. Jesus has shed his blood, holy blood on the cross. यीशु ने अपना पवित्र लहू उस क्रूस से बहाया. And he comes. और वो आता है. And washes us with his blood. और आकर हमें अपने लहू से धो देता है. Every sin that we have committed, every curse we have, which has disconnected us with God, is washed away, cleansed by the blood of Jesus Christ. हर एक श्राप, हर एक वो पाप जिसकी वजह से हमारा परमेश्वर से संपर्क टूट गया, उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर हमें अपने लहू से धोता है. Today he will wash us. आज वो हमें धोएगा. Cleanse us. शुद्ध करेगा. Every sin will go. हर एक पाप चला जाएगा. As we confess our sins to him. जैसे हम आज अपने पाप उसके सामने मानेंगे. And he will be with us. और वो हमारे साथ रहेगा. Always he'll be with us. हमेशा वो हमारे साथ रहेगा. You will see him. आप उसे देखेंगे. And his spirit and your spirit shall be one all the time. और हर समय उसका आत्मा और आपका आत्मा एक बने रहेंगे. And in this world of tribulations. और इस संसार के दुख और सताव में. In this world of many battles. और ये संसार जिसमें आपको हर दिन कई युद्ध लड़ने पड़ते हैं. The Lord himself will work for you. परमेश्वर खुद आपकी ओर से काम करेगा. The Lord himself will guide you. परमेश्वर खुद आपका मार्गदर्शन करेगा. The Lord himself will open the doors for you. परमेश्वर खुद दरवाजे आपके लिए खोलेगा. The Lord himself will give you peace. प्रभु खुद आपको शांति देगा. The Lord himself will prosper whatever you do. परमेश्वर खुद आपको संपन्न बनाएगा जो भी आप करेंगे. And you will be more
more than a conqueror. और फिर आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे. Through him who loves you. उसके द्वारा जो आपसे बहुत प्यार करता है. Who has loved you on the cross and loves you even today. और जिसने आपसे उस क्रूस पर प्यार किया, जो आपसे अभी भी प्यार करता है. Will you say, Lord Jesus? क्या आप ये कह सकते हैं, प्रभु यीशु? Lord Jesus. प्रभु यीशु. Thank you for loving me. मुझे प्रेम करने के लिए धन्यवाद. Thank you for loving me. मुझे प्यार करने के लिए धन्यवाद. Just thank him today. आज उसका धन्यवाद दें. Don't condemn yourself. अपने आप को दोषी नहीं ठहरा. You are precious to the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए आप बहुत ही बहुमूल्य हैं. You are precious to him. आप उसके लिए कीमती हैं. Now he is here. और अब वो यहाँ है. Now he is with us. अब वो हमारे साथ है. Let not your heart be troubled. आपका मन व्याकुल न हो. Today the glory of God shall come upon you. आज परमेश्वर की महिमा आप पर उतरेगी. And build your home. और आपके घर को बनाएगी. Build your children to become beautiful. आपकी संतानों को बनाएगी ताकि वो सुंदर बन सके. Build your finances. आपकी आर्थिक बातों को निर्माण करेगी. Build your stature in life. जीवन में आपके स्तर को बनाएगी. And more than everything. और सारी बातों से बढ़कर. Build you to be the temple of God. आपको बनाएगी ताकि आप परमेश्वर के मंदिर होंगे. You will see him. आप उसे देखेंगे. You will know him. आप उसे जानेंगे. You will hear him. आप उसे सुनेंगे. Jesus will never leave you, never forsake you. यीशु न तो कभी आपको छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा. Let not your heart be troubled. My precious friend, I'm here to pray for you. मेरे प्रिय मित्रों, मैं यहाँ हूँ कि आपके लिए प्रार्थना करूँ. Let's together pray to the Lord Jesus Christ. आइए हम एक साथ मिलकर के प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ प्रार्थना करें. Father, पिताजी, You are our Father. आप हमारे पिता हैं. All authority is given to you, Lord. प्रभु जी, आपको सारा अधिकार दिया गया है. And you have said. और आपने कहा है. Ask anything in my name, my children, and I will do it. मेरे बच्चों, तुम मेरे नाम में जो भी मांगोगे, मैं वह तुम्हारे लिए करूँगा. Father. पिता. You are a God who bestows good things upon us. आप अच्छी चीजें देने वाले हमारे पिता परमेश्वर हैं. You have said in the day of trouble. I will honor him who loves me. आपने कहा है जो मुझसे प्रेम करेगा, संकट के दिन मैं उसका आदर करूंगा. I will deliver him or her. और मैं उससे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उद्धार दूंगा. Today deliver your children, Lord. आज प्रभु अपने संतानों का उद्धार करें. Master. स्वामी. Whatever efforts they have put in their lives, bless it. उन्हें अपने जीवन में जो कुछ भी प्रयत्न किया है प्रभु, आप उसे आशीष दें. Today we pray that you will give everyone a clear conscience in life, Lord. हमारी प्रार्थना प्रभु जी कि आप हर एक के जीवन में उन्हें एक शुद्ध विवेक प्रदान करेंगे. Whatever they do, और जो कुछ भी को करते हैं प्रभु, let it be acceptable to you. होने दें कि वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो गई. Let all their actions and thoughts be very blessed and perfect before God and man. होने दें कि उनके विचार और उनके कार्य ईश्वर के सामने और लोगों के सामने ग्रहण योग्य हो. Let them be taught by the Lord. और होने दें कि वे परमेश्वर के द्वारा से सिखाए जाएं. Tell them what to do and show them what they should not do in the world. प्रभु जी, आप उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है और संसार में उन्हें क्या कुछ नहीं करना है. And prosper all that they do, Lord. और जो कुछ भी वो करते हैं प्रभु जी, उन सारी बातों में आप उन्हें उन्नत करते जाएं. Let not any spirit of deception or deceit come in their life or in their family or in their way. उनके रास्ते, उनके जीवन में, उनके परिवार में कोई भी धोखे की आत्मा जो है प्रभु जी, कदापि भी ना आने पाए. Let your overflowing abundance come upon their lives, Lord. उन्हें प्रभु जी कि आपका वो बहुतायत जो मरता हुआ है उनके जीवन में इस समय बहता चला आए. Let there be promotion in the job. उनके कार्य के स्थान पर प्रभु जी, आप उन्हें पदोन्नत करें. Hurry, God is blessing you with a promotion as you have sought after him and helped your family. हरी, आप परमेश्वर आपको पदोन्नति दे रहे जब आपने उस ईश्वर को खोजा और अपने परिवार जनों की सहायता की है. Your brother is not well. आपके भाई की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है. हरी, God will raise him up. हरी, परमेश्वर से फिर से खड़ा करेगा, जीवंत करेगा. Yes, he will rise up and through that sickness all your consciences will get right with God and you will rise up with a clear conscience to help others. हाँ, आपका भाई जो है वो चंगा होगा और उसके द्वारा से आपका जो विवेक है वो हर एक बातों में परमेश्वर के प्रति शुद्ध होता चला जाएगा. Father, bless the little children whom you have given. पिताजी, जो छोटे बच्चे आपने दिए हैं, आप उन छोटे बच्चों को आशीष दें. Let them grow with perfect health, Lord. होने दें कि ये बच्चे जो है प्रभु जी, सिद्ध स्वास्थ्य के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं. And let no evil power ever touch them. और होने दें कोई भी दुष्टता की शक्ति उन्हें कभी भी ना छूने पाए. Heal their bodies, O God, in Jesus' name. ईश्वर के नाम से परमेश्वर, आप उनके शरीरों को इस समय छू लें.
Let every sickness in their bodies, pains be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से उनके शरीरों के हर एक दर्द और रोग जो है जाते रहें. Deformities be set right in Jesus' name. और यीशु के नाम से हर एक विकृति जो है शरीरों की वो ठीक होती चली जाए. Let them have rest in their bodies, rest in their spirits and good sleep, Lord. प्रभु जी वो शरीर और आत्मा में आराम को पाए और अच्छी नींद उनको आने पाए. Let the boils disappear, let their bones be healed in Jesus' name. हर एक फोड़ा जो है वो जाता रहे और उनके शरीर के रोग यीशु के नाम से चंगे होते चले जाएं. Let them have the right diagnosis and bless all the medical procedures they have to face, oh God. सही डायग्नोसिस वो पाने पाए प्रभु जी और जितने भी उनके लिए क्रियाकलाप होते हैं उनको आप आशीष. Thank you for blessing them. धन्यवाद उन्हें आशीष देने के लिए. Give thy children long life. अपने संतानों को आप दीर्घायु प्रदान कर. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. God bless you, my friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको आशीष दे.